सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के एक मामले का उद्भेदन किया है और पुलिस ने हत्या में शामिल पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दरअसल हम आपको बताते चले कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पहले मिलने के लिए बुलाया, उसके बाद प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर डाली। दरअसल हम आपको बताते चले कि प्रेमिका ने पहले युवक को मिलने के लिए बुलाया, उसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर प्रेमिका ने युवक के आंखों में मिर्ची का पाउडर डाला। इतना ही नहीं, मिर्ची का पाउडर डालने के बाद समय का फायदा उठाते हुए प्रेमिका के पति ने युवक के सीने में गोली मार दी थी, जिसके बाद युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गया था। इतना ही नहीं, पति पत्नी के द्वारा रची गई हत्या की इस प्लानिंग में पुलिस को गुमराह करने के लिए प्रेमिका के पति ने मृतक के दोस्त का नाम लेकर चिल्लाना भी शुरू किया था। दरअसल पूरा मामला नालंदा जिले के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र से संबंधित है। आपको बताते चले कि नालंदा जिले के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में पिछले 29 अक्टूबर को जदयू नेता के बेटे सोनल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोनल पटना में बिजली विभाग में अनुबंध पर कार्य करता था और उसके पिता जदयू के कार्यकर्ता थे। उसकी मौत की खबर पर नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार भी सदर अस्पताल पहुंचकर परिजनों को ढांढस बनाया था। गुरुवार की संध्या हिलसा के डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि बीते 29 अक्टूबर की रात्रि में सोनल भारती को घर से बुलाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक एसआईटी के द्वारा जांच किया गया, जिसमें यह पता चला कि मृतक के मोबाइल से एक महिला का रेगुलर बातचीत किया जाता था और यह नंबर गया जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र के नवडीहा गांव निवासी कैलू रविदास के पुत्र राहुल रविदास की पत्नी खुशबू कुमारी का था। इन्हीं दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। राहुल रविदास और उसकी पत्नी खुशबू कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उससे पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दरअसल सोनल भारती के पिता संजय प्रसाद सिंह के यहां खुशबू की परिवार काम करता था। इसी दौरान दोनों में प्रेम हो गया। खुशबू की शादी के बाद भी यह बातचीत जारी रहा और उसके पति राहुल रविदास को प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद पति ने खुशबू को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तभी खुशबू कुमारी ने अपने अफेयर के बारे में पति को बताया और इसके बाद पति पत्नी दोनों मिलकर प्लानिंग के तहत सोनल को कॉल कर मिलने के लिए बुलाया, इसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। 29 अक्टूबर की रात्रि पति पत्नी ने सैदपुर गांव आकर घर से 500 मीटर की दूरी पर खंधा में सोनल को मिलने बुलाया। सोनल अपने दोस्त नवीन के साथ वहां गया था, लेकिन नवीन कुछ दूरी पर रुक गया था। सोनल के आते ही खुशबू ने उसके चेहरे पर मिर्ची का पाउडर फेंक दिया और पासी के खेत में छिपे उसके पति राहुल रविदास ने उस युवक यानी सोनल को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए सोनल के दोस्त का नाम लेकर उसके पति ने नवीन बचाओ की आवाज लगाने लगा था। जब तक वो पास पहुंचता, तब तक दोनों दंपत्ति सोनल का फोन और हथियार लेकर वहां से भाग निकले थे और इस हत्याकांड का खुलासा नालंदा पुलिस ने करते हुए दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि अवैध संबंध यानी प्रेम प्रसंग में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मृतक सोनल का खुशबू कुमारी से प्रेम प्रसंग था और दोनों पति पत्नी ने यानी खुशबू और राहुल रविदास ने इस हत्या की प्लानिंग रची थी, जिसके बाद 29 अक्टूबर को
पूरी प्लानिंग के तहत सोनल की हत्या कर दी गई। और इस पूरे मामले पर से नालंदा पुलिस पर्दा उठाते हुए दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।